अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर महबूब की तस्वीर आपके मोबाइल में है, आपके शोर की तस्वीर आपके मोबाइल में है या वैसे आपके पास मौजूद है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके दिल में जो चाहें, जैसी चाहें मोहब्बत पैदा कर सकती हैं। जो बात आप उनसे मनवाना चाहते हैं वो आप बात मनवा सकते हैं। आज का अमल ऐसा है कि आपने उसकी तस्वीर पर फक्कर दम कर देना है, और ये दम भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी आयत है और उस आयत का भी कुछ हिस्सा है। आपने उसको पढ़कर उसकी तस्वीर पर, वो तस्वीर मोबाइल में भी है तो काम चल जाएगा, अगर वो तस्वीर प्रिंटेड है तब भी कोई हर्ज नहीं। किसी भी तरह है, अगर आप मोबाइल में ही रखकर प्रिंट नहीं भी निकलवाना चाहते तो आप उसी तरह मोबाइल में ही उस तस्वीर पर दम कर दें। इंशाअल्लाह ताला जब आप दम कर देंगे तो उनके दिल में फौरन मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाएगी। मैं अपने दोस्त अहबाब और ख़वातीन और अपनी माएँ बहनों को ये बात बताना चाहूँगा। वो ख़वातीन जो परेशान है कि कई कई अमल कर चुकी हैं लेकिन उनको कोई वजीफ़ा असर नहीं देता, एक बात मेरी जहन में रख लें कि बाज़ुकात यूँ होता है कि आपने एक ही मरतबा में, एक ही वक्त में कई चैनल से वजीफ़े लेकर नोट करके आप उनको कर रही होती हैं। एक वक्त में दो तीन वजीफ़े शुरू करना और वो एक ही काम के लिए हों, इससे आपको फ़ायदा नहीं होता, उल्टा आप रिजत का शिकार भी हो जाती हैं। और इसी तरह आप कामल यकीन के साथ हमारे चैनल का वजीफ़ा करें, अल्लाह के फजल से आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। और दूसरी बात, अगर फिर भी असर नहीं हो रहा तो आप कोई ना कोई सदका खैरात अल्लाह के रास्ते में वजीफ़ा करने से पहले कर दें, इंशाअल्लाह ताला फिर आप वजीफ़ा करेंगी तो आपको उसका फौरन रिज़ल्ट मिलेगा। और तीसरी बात, मैं ये बात भी शामिल करना चाहूँगा कि जो हमारे चैनल के व्यूवर्स हैं उनको चाहिए कि वो नमाज़ की पाबंदी करें, तो फिर उनको वज़ाइफ भी असर दिखाएंगे, वो छोटा सा छोटा भी अमल करेंगी उसका उसको रिज़ल्ट मिलेगा। नमाज की पाबंदी करें, झूठ को छोड़ दें, गीबत चुगली बहतान को छोड़ दें, क्योंकि ख़वातीन के अंदर इस तरह की मर्ज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इन तमाम बुरी बातों को तर्क कर दिया जाए और उसके बाद अमल को किया जाए, तो उनको एक ज़हनी और जिस्मानी सुकून भी मुहैया होगा और उनके उस अमल में भी बरकत पैदा होगी। तो आज का अमल आपने करना क्या है? आपने अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है और दरमियान के अंदर आपने 21 मरतबा ये छोटे से कलमात, थोड़े से कलमात आपने कहने हैं। वअल्कैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी वलितुस्ना आला ऐनी, ये जो स्क्रीन पर भी आपको अल्फाज नज़र आ रहे हैं इनको फ़क्त आपने 21 मरतबा पढ़कर आपने अपने महबूब की, अपने शोहर की तस्वीर पर दम कर देना है। और इस अमल का वक्त ख़ास है, उस वक्त में अगर इसको किया जाए तो आपको इसका 100% रिज़ल्ट मिलेगा। और वो वक्त ये है कि आपने असर और मगरब के दरमियान में जो वक्त होता है उस वक्त में आपने इस अमल को करना होगा। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को मत भूलना, क्योंकि उनके लिए इजाज़त है जिन्हों जो ये काम करते हैं और हमारी वीडियो को आगे दोस्तों का तक पहुँचाते हैं, और अल्लाह तबारक व ताला उन पर अपनी मेहरबानी फरमाता है। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।